नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राणनाथ चंद्रा और मैं आज आप लोगों को आउटलुक में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाना सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम आउटलुक में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाते हैं। ये एक तरह से ग्रुप होता है जिसमें हम एक साथ ग्रुप मैसेज या ग्रुप ईमेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके कॉन्टेक्ट में लोगों के नेम या ईमेल आईडी एड्रेस होने चाहिए। जैसे कि यह मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसमें 3 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कॉन्टेक्ट में नाम कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट में नाम जोड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट में जाइए, कॉन्टेक्ट में से यहाँ से न्यू कीजिए और कोई नया नया कॉन्टेक्ट जोड़ लीजिए। मैं एक कॉन्टेक्ट जोड़ के बताता हूँ, उसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है धनेंद्र, कंपनी में मैं लिख देता हूँ सेंट्रम, जॉब टाइटल VT IT, ओके। उसका ईमेल आईडी है धनेंद्र कुमार 14@gmail.com। और यहाँ पे कोई डिटेल और देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना है सेव एंड क्लोज। और ये देखिए उसका नाम यहाँ पे ऐड हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नाम ऐड होने के बाद हम क्या बनाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपको जाना है मेल और एक मेल कंपोज कीजिए। देखिए अभी मेल कंपोज करके आप जाइए फाइल, न्यू मेल और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। यहां से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट देखो आ गया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन में लिस्ट में लिख देता हूं माय क्लासमेट्स। ठीक है, क्लासमेट्स मैंने इसका नाम रख दिया। अब यहां से मुझे मेंबर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट मेंबर। ये देखिए जितने लोगों के नाम आपको वहां पे दिख रहे थे वो सभी नाम यहां पे हैं। अभी नाम सेलेक्ट करके मेंबर में क्या करते चाहिए, इंसर्ट करते चाहिए। मेंबर, ये मेंबर। और लोगों के जितने आपके फ्रेंड्स हैं या जिनके जिनके नाम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उनका नाम सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए, ओके। ये देखिए वो सारे नाम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और नाम क्या रखा है आपने, माई क्लासमेट्स। ठीक है, अभी ये सारे नाम ऐड होने के बाद आपको करना क्या है, सेव एंड क्लोज। जैसे ही आप सेव एंड क्लोज करेंगे वो एक ग्रुप बन करके रेडी हो गया है। अभी चलिए ग्रुप बना है उसे देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्टेक्ट में। देखिए कॉन्टेक्ट में हम गए, देखिए मेरी क्लासमेट्स का क्या बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, एक डिटेल बना हुआ है। इसे देखना है तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए और ये देखिए आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। और लोगों के नाम ऐड करना है तो ऐड न्यू करके आप नए नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए आप जाइए मेल और कोई एक मेल कंपोज कीजिए। अब यहाँ पे टू में आप जनरली ईमेल आईडी लिखते हैं, तो अगर आपके 50 लोगों का मैसेज करना है तो 50 लोगों का ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। पर अभी क्या करेंगे हम, टू, और ये देखिए माय क्लासमेट्स सेलेक्ट किया हमने, टू में उसको इंसर्ट किया और क्या किया, ओके। अभी माय क्लासमेट्स करने से क्या हो गया, उन सभी लोगों का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया है जिनके नाम हमने माय क्लासमेट्स ग्रुप में अभी बनाए हैं। और यहां से हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो सारे मैसेज सेंड करने पर उन सभी लोगों को क्या होगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। सेंड किए तो मैसेज क्या होगा, उन लोगों को चला जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम में आउटलुक में बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।